बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर द क्रिकेट शो। नाज़रीन, पाकिस्तान की अंडर 19 टीम इस वक्त बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में है और उसकी वजह है अंडर 19 टीम की एक के बाद एक ज़बरदस्त कामयाबी और इस अंडर 19 टीम में कुछ ऐसे स्टार्स का सामने आना कि जिनकी लगातार ज़बरदस्त परफॉर्मेंस ने दुनिया भर के जो क्रिकेट शायकीन हैं अमूमी तौर पर उनकी और पाकिस्तान के क्रिकेट शायकीन की खसूसी तौर पर तवज्जो हासिल की है। और इन स्टार्स के बारे में अब लोग बार बार पूछ रहे हैं कि ये कौन है, इनका बैकग्राउंड क्या है, ये कैसे ज़बरदस्त परफॉर्म करने वाले हैं। तो ये जो स्टार्स पाकिस्तान के अब सामने आ रहे हैं, इन स्टार्स ने असल में पहले दौरा श्रीलंका में श्रीलंका की अंडर 19 टीम के खिलाफ ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी और उसके बाद फिर एक इंतहाई हैरान कुन परफॉर्मेंस इस नौजवान टीम की जानिब से उस वक्त देखने को मिली जब पाकिस्तान ने अंडर 19 टीम ने जनूबी अफ्रीका में 7 मैचेस लगातार हराए और यूं उनको वाइट वॉश किया। तो ये ज़बरदस्त परफॉर्मेंस जो थी इसके पीछे एक बड़ा शानदार खिलाड़ी मौजूद था इस ज़बरदस्त परफॉर्मेंस के पीछे। वैसे तो ये एक टीम परफॉर्मेंस थी लेकिन इस परफॉर्मेंस में एक नौजवान खिलाड़ी उभर कर सामने आया जो कि जिसके लिए बाकायदा अब ये अल्फाज इस्तेमाल होने शुरू हो गए कि जनाब पाकिस्तान का नया विराट कोहली है, ये पाकिस्तान का नया बाबर आजम है। उसी तरह की क्लासिकल बैटिंग और उसी अंदाज में ना सिर्फ खूबसूरत शॉट्स बल्कि ज़बरदस्त किस्म के छक्के चौके और पावर हिटिंग करने की भी सलाहियत इस नौजवान में मौजूद है। मेरी मुराद आप सबके उस फेवरेट के बारे में कि जिसके लिए आप बहुत बार मुझे कह चुके कि बाबर भाई इस नौजवान को हमारे साथ लेकर के आइए, इनका इंटरव्यू कीजिए। तो मेरी मुराद है जनाब स्टाइलिश पाकिस्तानी बैट्समैन ऑफ अंडर 19 टीम, पाकिस्तान के फ्यूचर स्टार इंशाल्लाह और पाकिस्तान की अंडर 19 टीम के नायब कप्तान हैदर अली। हैदर अली, हमारी खुशकिस्मती है कि इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर इस्लामाबाद से मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जरा उनसे दिल की बातें जानते हैं उनकी और आप लोगों से भी बात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम हैदर अली। वालेकुम सलाम बाबर भाई, सुनाएं। अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हैदर अली, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आप तीसरी बार लगातार पाकिस्तान कि जो अंडर 19 टीम है उसके नायब कप्तान आपको मुकरर किया गया है और ये परफॉर्मेंस में जी परफॉर्मेंस में आपकी कंटिन्यूटी है माशाल्लाह से। अच्छा हैदर, थोड़ा सा मैं ये जानना चाहूंगा, अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड बताइए क्योंकि थोड़ी सी कंफ्यूजन पैदा हो गई है। मैं जब सर्च कर रहा था इंटरनेट पे तो एक हैदर अली मुझे कराची से नजर आए, वो थोड़े उम्र में भी ज्यादा हैं और वो थोड़े लंबे से हैदर अली हैं, तो मैंने उनकी बैटिंग देखी तो उनके बारे में पता चला कि वो शायद कोई वहाँ पे कराची में किसी रेस्टोरेंट में भी काम करते थे लेकिन बहरहाल अपनी मेहनत से उन्होंने वहाँ पर जो लोकल लीग्स वगैरह हैं वो खेली हैं। लेकिन ये हैदर अली और वो हैदर अली, क्या फ़र्क है दोनों में? जी बाबर भाई, ऐसा ही है क्योंकि वो जो है वो तकरीबन पीछे 2 साल पहले अंडर 19 खेला है, उससे पहले वो अंडर 16 खेला था। अच्छा, उसका तलक कराची से ही था और क्योंकि उसको अभी नया अभी हाईलाइट हुआ ना, मेरा और मेरा नेम और उसका नेम सेम है ना। हाँ जी, उसकी वजह से लोगों को काफी कंफ्यूजन हुई है। मैं तो बेसिकली लैंडलॉर्ड फैमिली में से हूँ, मेरा बैकग्राउंड माशाल्लाह बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह, तो इस वजह से वो काफी इसमें कंफ्यूजन हुई है। मैं काफी मेरे इंटरव्यू वगैरह एनसीए में भी लिए गए हैं तो मैंने उनपे भी कंफर्म किया कि मैं वो हैदर अली नहीं हूँ, वो दूसरा है। तो इस वजह से मैं आपको आज भी कंफर्म कर रहा हूँ कि मेरा जो बैकग्राउंड है वो माशाल्लाह बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप अटक से ताल्लुक रखते हैं? जी बेसिकली अटक से ताल्लुक रखते हैं। तो कब से क्रिकेट स्टार्ट किया आपने? सर मैंने 2015 में क्लब लेवल से क्रिकेट स्टार्ट किया है, तो मेरे क्लब का नाम अल फैसल क्रिकेट क्लब है, जो उसके ऑनर है मलिक जहीर साहब और जो कप्तान हमारे क्लब के रहे मलिक फारूक साहब। अच्छा, तो वहां से हमने क्रिकेट स्टार्ट की है। आपने अटक से स्टार्ट की क्रिकेट? जी अटक से क्रिकेट स्टार्ट किया।
तो 2015 से आपने स्टार्ट की, फिर आप अंडर 16 खेले हैं। जी सर, 2016 में मैं अंडर 16 पहली दफा खेला था, तो हमारा कराची में टूर था, अच्छा, उधर पहला टूर था, तो उधर इतना कोई खास परफॉर्म वगैरह नहीं हुआ। तो उसके बाद 2017 में मेरा अंडर 19 रावलपिंडी रीजन से मैं खेल रहा हूँ, अच्छा जिनके कोच बिलाल भाई थे और सभी भाई हेड कोच थे। तो ठीक है। फिर उसके बाद 2018 में मैं दूसरा साल था मेरा अंडर 19 का, तो वनडे में पहले परफॉर्म वगैरह किया तो मेरा नाम आया था, एशिया कप के रिजर्व में था मेरा नाम। अच्छा तो उसके बाद फिर मैं नेशनल T20 वगैरह भी खेला हूँ 2018 में ही। तो उसके बाद अच्छा फिर NCA में हमारे कैंप वगैरह लगे हैं, कैंप वगैरह में प्रैक्टिस वगैरह हुई है। तो उसके बाद फिर अभी हमारा श्रीलंका का टूर आ गया था बीच में, प्रैक्टिस जी, मैच वगैरह परफॉर्म वगैरह हुआ है, तो अल्लाह का शुक्र है सिर्फ दो टूर अभी तक किए मैंने, एक श्रीलंका का और एक साउथ अफ्रीका का। दोनों सीरीज हमने विन की है और माशाल्लाह परफॉर्मेंस भी मेरी बहुत अच्छी रही है। जी माशाल्लाह, आपने वहां सेंचुरी भी की है, और एक आप मुझे बता रहे थे कि एक जो प्रैक्टिस मैच है उसके अंदर भी आपने सेंचुरी की, फिर जो ऑफिशियल मैच हुआ उसमें भी सेंचुरी की। बहुत जबरदस्त लगता है जब नए नौजवान खिलाड़ी जज्बे से परफॉर्म करते हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। जीते रहिए। मुझे ये बताइए कि इंस्पिरेशन कौन था क्रिकेट में आने के लिए, आपका फेवरेट कौन था जिसको देख के दिल चाहा कि हैदर अली को भी क्रिकेट खेलनी चाहिए? सर वो तो मेरे घर वालों को, मेरे अबू को जो थे उनको बहुत ज्यादा शौक थी क्रिकेट की, वो खुद तो कम ही खेल मतलब वो टेप बॉल वगैरह खेलते रहे हैं, तो उनको शौक थी, तो उनकी वजह से मैंने क्रिकेट स्टार्ट किया है। मेरी फैमिली अच्छा में क्रिकेट वाले, मेरे एक कजन ही खेलता था, बाकी तो क्रिकेट में कोई नहीं था, वो सारे निजाबाज हैं, उन्होंने घोड़े वगैरह रखे हैं। तो इस वजह से क्रिकेट अच्छा में मुझे तो मेरे अबू को शौक थी, तो इस वजह से मैं क्रिकेट में आया हूँ। अच्छा आपके वालिद साहब का क्या नाम है? मलिक शफकत अली खान। अच्छा, मलिक शफकत अली खान जो हैं इनके वालिद का नाम है, और हैदर अली उन्हीं से इंस्पायर होके उनकी ख्वाहिश के ऊपर क्रिकेट में आए। और किस वक्त ऐसा लगा आपको हैदर के, मतलब आपने जब अंडर 15 में आप आए और उसके बाद फिर आप अंडर 16 में आप जब खेले 2015 के बाद 2016 में, कौन सी जगह पे ऐसा लगा कि हैदर अली के अंदर कुदरत ने वो टैलेंट रखा हुआ है कि हैदर अली आगे पाकिस्तान का सब्ज झंडा जो है उसको दुनिया में लहराने की अल्लाह पाक ने उसको काबिलियत दी हुई है, कहाँ पे महसूस हुआ आपको? सर सबसे पहले अंडर 16 में जब खेला था ना, तो मेरा कराची टूर था, तो मुझे याद है मेरा थर्ड मैच था, तो अच्छा थर्ड मैच में मैंने रन किए थे, 50 की थी ना, तो अच्छा वहां पे मैं रन आउट हो गया था, तो वहां पे एक अंपायर थे जहीर अब्बास, मुझे अभी तक नाम याद है उनका, हाँ उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया था, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि ये क्रिकेट क्यों स्टार्ट की है। हाँ मैंने कहा मुझे शौक है, मैंने इसलिए स्टार्ट की है। तो हाँ उन्होंने मुझे याद है, उन्होंने मुझे बोला था कि ये क्रिकेट छोड़ना नहीं, अच्छा तो एक टाइम आएगा तुम बड़े प्लेयर बनोगे, तुम में माशाल्लाह, वो एबिलिटी है, तुम बन सकते हो। बस अच्छा वो दिन था और आज का दिन था, मैंने सोच लिया कि मैंने बड़ा प्लेयर बनना है। माशाल्लाह माशाल्लाह, तो बड़ी बात है, इसका मतलब वो जहीर अब्बास जो हैं वो एक टर्निंग पॉइंट साबित हुए हैं आपके कैरियर में। जी बिल्कुल। जी हैदर, आपसे पूछना ये है कि अभी तक आप माशाल्लाह जिस मुकाम तक पहुंचे हो, और अभी से माशाल्लाह जिस तरह से आपके फैंस बन रहे हैं और जो आप माशाल्लाह अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं और लोगों की नजर में आ रहे हैं, क्या समझते हैं कि आपके यहां तक पहुंचने में किसका और या किस किस का अहम किरदार है? सबसे पहले तो मेरी फैमिली का और मेरे वालिद साहब का सबसे ज्यादा किरदार है, क्योंकि उन्होंने जी मुझे सपोर्ट की है, तो मैं तब इस मुकाम तक पहुंचा हूँ। क्योंकि जी जो बिल्कुल मेरी एज के लड़के वगैरह होते हैं, वो पढ़ाई वगैरह, क्योंकि उनको घर से भी काफी फोर्स होता है कि पढ़ाई वगैरह वो करें, अगर वो उन पे पूरा टाइम क्रिकेट को नहीं दे सकते ना, सही, तो बिल्कुल मैंने सही साथ है, साथ पढ़ाई भी की है, तो क्रिकेट को भी पूरा टाइम दिया है, तो इस वजह से घर वालों के अगर सपोर्ट थी तो मैंने ये सारा काम किया है। जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल समझ आ गई। जी, और जो बाकी जो मेरा क्रिकेट का सामान वगैरह, वो घर वाले भी काफी सपोर्ट वगैरह करते हैं, और जो मेरे कजन होता है बाहर ऑस्ट्रेलिया में, अच्छा उसने मुझे काफी ज्यादा सपोर्ट की है। मतलब कि मैं जिस छोटे लेवल पे खेलता था, उस लेवल पे तो आपको पता है कोई इतने अच्छे बैट वगैरह तो
हाँ जी बंदा नहीं बिल्कुल लेता क्योंकि यार इतना बड़ा प्लेयर नहीं है तो इतने हैवी बैट नहीं लेता। जी। तो वो मेरा कजन है तो मलिक शहरयार अली खान, उसने मुझे वहां से ऑस्ट्रेलिया से एक रेट के बैट भेजे हैं, तो उसने मेरे साथ काफी सपोर्ट की है अच्छा इन अच्छा बैट तो मामले में और काफी स्पोर्ट्स की चीजें वगैरह काफी उसने मुझे यानी सपोर्ट आपको की है। आपको जो स्पोर्ट्स की जो इक्विपमेंट है किट वगैरह है ये लेकर के प्रॉपर जो अप टू डेट किस्म की वो शहरयार ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है उसमें। जी बिल्कुल, क्योंकि वो खुद भी एक क्रिकेटर है ना तो अच्छा उसको अच्छा काफी बेहतर पता है, तो अच्छा वजह अच्छा से वो बाहर था तो उसने काफी सपोर्ट किया है। हैदर सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान के इस वक्त जो मौजूदा बैट्समैन हैं उनमें आपका फेवरेट कौन है और जो पहले पुराने हमारे लेजेंड्स हैं उनमें से किसको पसंद करते हैं जिसके मैचेस देखना अच्छा लगता है। सर अभी जो नए अपने पाकिस्तान में से बाबर आजम है जो अभी रेगुलर परफॉर्म कर रहे हैं, मेरा वो बाकी फेवरेट, मैं उसको कुछ फॉलो करता हूँ अच्छा वो माशाल्लाह फेवरेट है। और जो लीजेंड है उनमें जावेद मियांदाद को, अच्छा जावेद मियांदाद को आप बहुत पसंद करते हैं अच्छा जी। माशाल्लाह। अपनी टीम में कौन अच्छा लगता है आपके साथ? वो भी अपना इरफान नियाजी भी खेल रहा है आपके साथ, हारिस भी एक लड़का खेल रहा है, बासित खेल रहा है आपके साथ आई थिंक मुल्तान से। कौन जी कौन आपको अपने अलावा रोहेल नज़ीर ऑब्वियसली आपके साथ कप्तान हैं, आपके ख्याल जी में बिल्कुल और कौन कौन से जबरदस्त हैं खिलाड़ी आपके साथ टीम में? सर, सबसे बात है कि जो पाकिस्तान के लिए खेलता है ना उसमें सारे बेस्ट होते हैं, माशाल्लाह हर बंदे में एबिलिटी होती है कि वो रन करे। इसमें हारिस भी अच्छा है, इरफान नियाजी भी अच्छा है, रोहेल भी अच्छा है, साइम भी अच्छा है, बासित भी अच्छा है, सारे प्लेयर अच्छे हैं यानी अपनी पर अपनी जगह पे हर परफेक्ट हैं वो बिल्कुल। जी, क्योंकि तभी तो पाकिस्तान के लिए वो खेल रहे हैं, जी हाँ बिल्कुल क्योंकि इतनी बड़ी आबादी है पाकिस्तान, उसमें तो 11 प्लेयर आना तो बड़ी बात है बड़ी बात है। अच्छा मुझे मुझे इरफान से भी मेरी बात हुई है उससे भी मैंने ये सवाल पूछा, आपसे भी पूछ रहा हूँ कि आपकी जो टीम है अंडर 19, क्योंकि आप जब प्रैक्टिस करते हो तो ऑब्वियसली अपने बॉलर्स को भी फेस करते हो, आपको सबसे जबरदस्त बॉलर कौन सा लगा है अंडर 19 की टीम में? सर नसीम शाह है क्योंकि अच्छा उसकी पेस एक्स्ट्राऑर्डिनरी है अंडर अच्छा 19 लेवल में, अच्छा क्योंकि वो 144 करता है, 143 करता है। बाकी हमारी टीम में ऑलराउंडर भी हैं और बॉलर, फास्ट बॉलर, दो फास्ट बॉलर हैं और दो तीन ऑलराउंडर हैं। जी जो जो हमारा ऑलराउंडर है वो आफरीदी, अब्बास अफरीदी, अब्बास आफरीदी, आप क्या समझते हैं कि क्या पाकिस्तान में इस वक्त एक अच्छे ऑलराउंडर की जरूरत है? तो आपके ख्याल में आपकी टीम में कोई ऐसा ऑलराउंडर मौजूद है कि जो पाकिस्तान को फ्यूचर में जैसे अब्दुल रजाक भाई थे जैसे अजहर महमूद थे हमारे पास, कोई ऐसा ऑलराउंडर हमारी टीम में आ जाए? सर वो एक तो अब्बास अफरीदी ऑलराउंडर है, जो सही जो मेन ऑलराउंडर है वो अब्बास अफरीदी मुझे लग रहा है फिलहाल तो, अच्छा 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 क्योंकि वो साथ बैटिंग वगैरह भी अच्छी कर लेता है। अच्छा पावर हिटिंग भी कर लेता है। जी, अच्छा अब पाकिस्तान की अंडर 19 टीम को जाना है श्रीलंका में जहां पे एशिया कप स्टार्ट हो रहा है अंडर 19 का आप लोगों का, जो 5 सितंबर से इंशाल्लाह स्टार्ट होगा और 15 सितंबर तक जारी रहेगा। क्या प्लान किया है उसके लिए, क्या सोच रहे हैं, क्या पाकिस्तान इस बार एशिया कप जीतेगा? क्योंकि पिछली बार जो एशिया कप हुआ था उसमें मुझे जो याद है कि पाकिस्तान फाइनल में बड़े मायूस कुन अंदाज में हारा था अफगानिस्तान की अंडर 19 टीम से। जी सर, क्योंकि हमारे अभी एनसीए में कैंप वगैरह लगे हैं तो हमने इसी के ऊपर सारी मेहनत की है एशिया कप के लिए, सही तो अभी पीछे हमारे 18 दिन का एनसीए में कैंप लगा है तो उसकी वजह से हमें काफी फर्क वगैरह पड़ा, तो कुछ सारी जो प्रैक्टिस वगैरह कराते रहे वो एशिया कप के लिए करा रहे थे ना, अभी जो हमारा हाई परफॉर्मेंस लगा है कैंप, जी 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 बिल्कुल तो वहाँ पे जो प्लेयर सिलेक्ट हुए हैं सारे साउथ अफ्रीका वाले ही तकरीबन सारे हैं, तो दो चेंजेस हुई हैं लेकिन तकरीबन सारे प्लेयर वही हैं। श्रीलंका तो उतना नहीं है, श्रीलंका में तो ज्यादा स्पिन ट्रैक है ना, जी जी बिल्कुल बिल्कुल स्पिन तो ट्रैक। उधर उधर जाके फिर उधर के जो सिचुएशन होती है वहां पे हैंडल करना वो फिर प्लेयर्स की काम है, क्योंकि वहां पे जो कोचिंग स्टाफ या वो तो हमें बता सकता है, कोचेस जी जी बिल्कुल परफॉर्म तो आपने करना वगैरह होता बता है। सकते हैं, परफॉर्म तो हमने करना है, हमने हर जगह जाके मैनेज तो हमने करना है।
तो यही हमने पहले कोचेज वगैरह से पूछा कि वहाँ की पिचेस कैसी हैं या वहाँ का वेदर कैसा है, तो उन्होंने हमें एक ही बात बताई है कि आप जो मर्जी जिस मर्जी जगह पे चले जाओ, जिस मर्जी ग्राउंड में चले जाओ, तो वहां पे जाके मैनेज आप लोगों ने करना है, क्योंकि जैसी जैसी मर्जी सिचुएशन होगी वहां पे मैनेज हम लोगों ने करना है। तो इंशाल्लाह एशिया कप भी, ये एशिया कप भी जीत के आएंगे, क्योंकि हमारी टीम इस वक्त सही बैलेंस टीम बनी हुई है और और हमारा कॉम्बिनेशन फिर बहुत अच्छा वर्ल्ड कप है। भी करीब आ रहा है। वर्ल्ड कप नाइन जो अंडर 19 वर्ल्ड कप है वो अप्रैल में साउथ अफ्रीका में हो रहा है, तो वो भी उम्मीद करें इंशाल्लाह कि पाकिस्तान इस बार अंडर 19 वर्ल्ड कप का भी चैंपियन बनेगा। जी, इंशाल्लाह हम फुल, हमारी जो तैयारी है वो इंशाल्लाह पूरी है, हमारी जो टीम की तैयारी है वो फुल है, हम इंशाल्लाह वर्ल्ड कप भी जीत के आएंगे, बड़ी कोई बात है, दिक्कत बड़ी बात है। जबरदस्त हो गया जी, आपने हमें ज्वाइन किया है, बहुत बहुत शुक्रिया हैदर अली आपका। और जाते जाते अगर अपने जो आपके फैंस हैं जो इस वक्त बड़े तादाद में डेवलप होना शुरू हो गए हैं और बड़े मुझे मैसेजेस करते हैं, उनके लिए कोई मैसेज? सर। उनके सबसे बड़े मैसेज है कि उनका बहुत बहुत शुक्रिया है जो मुझे वो लाइक करते हैं, तो बस जी दुआओं में याद रखना, इंशाल्लाह जल्दी अपना जो गोल है वो मैं अचीव करूंगा इंशाल्लाह। और उम्मीद है कि इंशाल्लाह। आप अपने जो फैंस हैं उनका सर और हमारा और पाकिस्तानी कौम का इंशाल्लाह सर फखर से बुलंद करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह बहुत शुक्रिया इंशाल्लाह। जी, बहुत शुक्रिया हैदर, थैंक यू, आपने टाइम दिया, ओके बहुत ओके सर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हैदर अली जनाब पाकिस्तान के नायब कप्तान, पाकिस्तान की अंडर 19 टीम के नायब कप्तान, पहला उनका इंटरव्यू मैंने किया है आपके लिए, आप सब लोगों के लिए ढूंढा इनको, तलाश किया, ये हमारे फ्यूचर के स्टार्स हैं। और आपको पता है कि मैं पाकिस्तान का जो जो फ्यूचर स्टार्स हैं मैं उनसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड हूँ और मेरी कोशिश होती है कि ये जो पाकिस्तान का रियल टैलेंट है उसको आगे लेकर के आएं। इससे पहले इरफान नियाजी से मैंने आपकी बात करवाई, अब ये आपसे बात हुई हैदर अली की। थोड़ी सी कन्फ्यूजन हैदर अली के हवाले से, तो अगर आप जब सर्च करते हैं तो देख लीजिए, मैंने इस प्रोग्राम के शुरू में इनके क्लिप्स भी चलाए हैं। ये अभी नौजवान हैं, इनकी उम्र 19 साल से भी कम है, तो जो दूसरे हैदर अली आपको दिखाई देते हैं वो ये नहीं हैं, वो थोड़ा पुराने हैं, वो इनसे को 3-4 साल बड़े हैं, वो आज से 2 साल पहले अंडर 19 खेल चुके हैं और अब वो थोड़ा बड़े लेवल की क्रिकेट खेलते हैं। ये वो वाले नहीं हैं जो कोई एक यूट्यूब चैनल पे अभी मैं देख रहा था थोड़ी देर पहले कि उन्होंने मिक्सअप कर दिया है, वो जो एक रेस्टोरेंट में काम करने वाला हैदर अली वो और है, ये पाकिस्तान के जो नायब कप्तान हैदर अली हैं ये एक जिमीदार घराने से ताल्लुक रखते हैं, अटक से इनका ताल्लुक है, ये कराची नहीं गए, कराची से इनका कोई ताल्लुक नहीं है, ये यहीं पे क्रिकेट खेले हैं, अटक से ही इन्होंने स्टार्ट किया और अपने वालिद शफकत अली खान मलिक, शफकत अली खान जो हैं उनके उनके ख्वाब को ये सच करना चाह रहे हैं। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह ना सिर्फ उनका ख्वाब सच करेंगे बल्कि पाकिस्तान के जो करोड़ों क्रिकेट फैंस हैं उनको एक नया शानदार टैलेंट देखने को मिलेगा, जल्द ही मिलेगा। अपनी राय दीजिए हैदर अली के हवाले से, पाकिस्तान का नया बाबर आजम, आप क्या कहते हैं हैदर अली के लिए, क्या सोचते हैं, कमेंट्स कीजिए। हमारा ये प्रोग्राम अगर आपको पसंद आया और आप इस तरह के मजीद इंटरव्यूज हमारे साथ देखना चाह रहे हैं तो अपनी राय दीजिए कि अगला इंटरव्यू हम किसका करें, अपनी राय दीजिएगा। और इसके अलावा हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। बाबर हयात को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।